हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेजी ग्राफिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम इस लेटर का लोगो डिज़ाइन बनाएंगे शील्ड स्टाइल में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले आपने यहाँ से एलिप्स टूल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करें, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से फिल को नन कर दें, इसको फिर से सेलेक्ट करें, एडिट में जाएं, कॉपी करें, फिर से एडिट में जाएं, पेस्ट इन प्लेस कर दें। ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करें, इसको छोटा कर दें, इन दोनों को सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, ब्लेंड में जाएं, मेक पे क्लिक करें, फिर से ऑब्जेक्ट में जाएं, फिर से ब्लेंड में जाएं, ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ से आपने स्पेसिफाइड स्टेप्स को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर 8 की वैल्यू दे देते हैं, ना काफ़ी है। तो ओके पे क्लिक करें, इन सब को सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपेंड कर दें, फिर से ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपेंड कर दें, ओके पे क्लिक कर दें। आर्ट प्रेस करके ड्रैग करना है तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा। फिर से आर्ट प्रेस करके ड्रैग करना है, आर्ट प्रेस करके ड्रैग करें, ऊपर दोनों को ग्रुप कर दें, इन सब को सेलेक्ट करें, विंडो में जाएं, अलाइन पे क्लिक करें, तो ये आपके सामने एक छोटा सा पैनल खुल जाएगा। इस पर क्लिक करें, इसको क्लोज कर दें, इसको छोटा इन सारों को थोड़ा छोटा कर देते हैं। इन सारों को सेलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल को सेलेक्ट करें, तो अभी हम एस लेटर बना लेते हैं। कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करें, गलत हो गया। इस लेटर ड्रा कर रहे हैं, हम देख सकते हैं ये इस लेटर बन गया। ये देखिए इस लेटर बन गया। तो अब इन सबको आप ब्लेंड कर लेते हैं। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने इन सबको बना लिया है। लोगो पे क्लिक करें, इसको अनग्रुप कर दें, लोगो पे क्लिक करें, इसको ड्रैग करके यहाँ पर रख दें, इन सबको डिलीट करें, लोगो को बड़ा करें, इसको थोड़ा स्ट्रॉक दे देते हैं और अच्छा लगेगा ना, काफ़ी है। ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपेंड कर दें, ओके पे क्लिक कर दें, इन सबको सेलेक्ट करें, विंडो में जाएं, पाथ फाइंडर पर क्लिक करें, ये छोटा सा पैनल आपके सामने खुल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा लोगो बन चुका है। इसको बैकग्राउंड दे देते हैं। तो आपने यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेना है और एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। तो हमने इसको कलर दे देते हैं हम डार्क ब्लू। इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, अरेंज में जाएं, सेंड टू बैक कर दें इसको।
लोगो को सेलेक्ट करें, इस पर डबल क्लिक कर दें, येलो कलर दे देते हैं, येलो भी थोड़ा ऑरेंज टाइप दे देते हैं, ये सही लग रहा है, नहीं ये थोड़ा ये कलर सही लग रहा है। तो हम टैग लाइन दे देते हैं इसका, टाइप टूल सेलेक्ट करें, मैं टैग लाइन दे देता हूँ, आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करें, इस पर क्लिक कर दें, टेक्स्ट भी येलो हो जाएगा, इसको सेलेक्ट करें, जीरो कर दें, इसको 100 कर देते हैं, इस फॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आर्ट प्रेस करके ड्रैग करूंगा तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा। टाइप टूल सेलेक्ट करें, इस पर क्लिक करें, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं नूर को, और छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं, तो हम इसको रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से यू कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं इसको, लोगो को सेलेक्ट करें और टेक्स्ट को, इन सब को सेलेक्ट करके आल्ट प्रेस करके ड्रैग करें, शिफ्ट भी प्रेस करके ड्रैग करें, इन सब को सेलेक्ट करें, आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करें, रेक्टेंगल पर क्लिक कर दें, तो ये इसका कलर हो जाएगा डार्क ब्लू। इन सबको इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।